मरहूम अहमद पटेल ने श्रद्धांजलि अर्पवा सोमवारे भरूचनी रोटरी क्लब खाते दीकरी मुमताज पटेल ने उपस्थिति में दिग्गज लोक नेता ने अंजलि आपवा भरूच जिल्ला सहित गुजरात भर में कोंगी आगेवानों साथे भरूच जिल्ला भाजपा महानुभावो पण उमटी पड़िया हता। राज्यसभा सांसद अने कोंग्रेसना ट्रबल शूटर मरहूम मेहमद पटेल नी लोकचाहना समाज सेवा अने राजकीय सफर ने दीकरी मुमताज पटेले पिता अहमद पटेल नी शायरी थी ज बयान करी तेमने अंजलि आपी लोकोना अनहद प्रेम बदल आभार व्यक्त कर्यो हतो। मुमताज पटेले पिता अहमद पटेल ने श्रद्धा सुमन आपता जणाव्यु हतु के पापा का एक शेर याद आ रहा है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं लेकिन बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। आज शब्दों थी पिता अहमद पटेल ने याद करी तेमना सामाजिक कार्यों ने आगळ वधारवा पुत्री मुमताज ने फैजल पटेले लोकोनो आशीर्वाद नी इच्छा व्यक्त करी हती। स्वर्गीय अहमद पटेल ना पुत्री ए भरूच थी तेमनो जन्मनो संबंध होवानुं वर्णवी कह्युं हतुं के फैजल अने तेमनो जन्म भरूचनी ज मोदी हॉस्पिटल में थयो हतो, जे आजे खबर पड़ी छे के त्यां कोई होटल बनी गई छे। आज शहरे मारा पिता ने पहली लोकसभा नी जीत आपी हती अने दिल्ली सुधी नी सफर नक्की करी हती। गर्मी नी रजा में फैजल अने हूँ भरूच आवता पहला डिलक्स एटले के पश्चिमी एक्सप्रेस हती, पछी पापा अहमद पटेल अगस्त क्रांति ने स्टॉपेज अपाव्यु हतु। भरूच थी दिल्ली सांजे जता स्टेशन पर लोकोनी भीड़ जामती, पिता लोको साथे वात करवामां व्यस्त रहता अने हूँ ने फैजल कॉमिक्स अने खारीसिंग खरीदवामां अने गोल्डन ब्रिज में ज ड्राइविंग प्रेक्टिस्ना संस्मरणों पर मुमताज पटेले वागोड़िया हता। भरूच लोकसभा पर अहमद पटेल ने पहली जीतनी रेली में जीप में भरूच भ्रमण पण तेमणे याद कर्युं हतुं। अंत में जणाव्युं हतुं के आजे विचारी ने मुश्किली थाय छे के भरूच में पिता ने श्रद्धांजलि आपवा उभा छे। पिता अहमद पटेल ने जे प्रेम अने सहयोग भरूचनी जनताए आपी आटला मोटा मुकाम पर पहोंचाड्या एज प्रेम अने सहयोग आजे मने अने फैजल ने हिम्मत आपी रह्या होवानुं कही तेमणे श्रद्धा सुमन में उपस्थित लोकोनो आभार व्यक्त कर्यो हतो। भरूच शहर से मेरा जन्म का रिश्ता रहा है, मेरा और फैजल का जन्म मोदी हॉस्पिटल में हुआ था। आज शायद पता चला कि वो अब नहीं है, उसकी जगह पे कुछ होटल या कुछ बन चुका है। और इसी शहर ने मेरे पिताजी को उनकी पहली लोकसभा की जीत दी थी और दिल्ली तक की दूरी हम सब की तय की थी। गर्मी की छुट्टियों में हम आते थे बचपन में, सुबह 5:30 बजे अगस्त क्रांति, शायद पहले डिलक्स ट्रेन होती थी, फिर पापा ने यहाँ पे अगस्त क्रांति शुरू करवाई थी रुकना, और हम आते थे। जाते वक्त शाम 7:30 बजे जब स्टेशन पे पहुँचते थे तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी और पापा उसमें व्यस्त होते थे, और मैं और फैजल बुक स्टॉल पे कॉमिक्स खरीदने या लाड़ी पर खाड़ी सिंह खरीदने के लिए व्यस्त हो जाते थे। पापा भीड़ में बिज़ी, हम अपने बाकी काम में बिज़ी। ड्राइविंग प्रैक्टिस करी गोल्डन ब्रिज पे, बुआ के साथ शॉपिंग पे आते थे यहाँ पे। शायद बचपन में थोड़ी जो याद थी कि शीतल होटल पे पापा की जो जीत की रैली थी उसमें जीप पे बैठ के पूरा भरूच उनके साथ घूमे थे। तो ऐसी कई यादें हैं जो भरूच से जुड़ी हुई हैं, और आज मुश्किल हो रहा है ये सोच के कि श्रद्धांजलि के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ अपने पिताजी के लिए। आप सबका प्यार और सहयोग ही ने मेरे पापा को इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाया, और आज वही प्यार आपका और सहयोग हमें हिम्मत दे रहा है। इस मौके पर पापा का एक सुनाया हुआ शेर मैं अर्ज करना चाहती हूँ। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस पे बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं लेकिन बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। इन्हीं शब्दों से उन्हें याद करते हुए उनके सामाजिक कार्यों को बढ़ाए रखने के लिए मैं और फैजल आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तमे बदा आजे एमने श्रद्धांजलि आपका उपस्थित रहिया, ए बदल मैंने फैजल तुम्हारा दिल थी आभारी छे, धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद। स्वर्गीय अहमद पटेल ने श्रद्धा सुमन आपवा अर्जुन मोडवड़िया सहित राज्यभर में कोंगी आगेवानों सहित भरूच जिला प्रमुख प्रिमल सिंह राणा सहित समग्र जिला कोंग्रेस
આગેવાનો સાથે ભરૂચ ભાજપાના ધારાસભ્ય દુષ્યંત પટેલ, અરુણસિંહ રણા, પૂર્વ પાલિકા પ્રમુખ સુરભીબેન તમાકુવાલા, પૂર્વ મંત્રી કુમારસિંહ વાસિયા સહિતના જોડાયા હતા. મતભાઈ ભલે રાષ્ટ્રીય નેતા હતા અને ભારતના જાહેર જીવનની અંદર લગભગ 4 દાયકા સુધી એ નિર્ણાયક ભૂમિકામાં રહ્યા, પરંતુ ભરૂચના તો એ પનોતા પુત્ર હતા. ભરૂચના, ભરૂચ જિલ્લાના, ભરૂચ શહેરના તમામ નાગરિકો એમને પોતાના પરિવારના સભ્ય તરીકે, પરિવારના વડા તરીકે માનતા હતા. એ વખતે ભરૂચ જિલ્લાએ તો એક પોતાનો પનોતા પુત્ર ગુમાવ્યો છે, એમનું દુઃખ હતું અને એ માટે આજે ભરૂચના નાગરિકોએ અહીંયા શ્રદ્ધાંજલિ સભા રાખી હતી અને ભરૂચના તમામ પક્ષના, તમામ ધર્મના, તમામ જાતિના અને તમામ વર્ગના લોકોએ સાથે મળીને અહેમદભાઈને ભાવાંજલિ આપી છે. ભરૂચ જિલ્લોની અંદર આજે જે કંઈ પણ છે એના મૂળની અંદર અહેમદભાઈના પ્રયત્નો, અહેમદભાઈની વગ રહેલી છે. એ ચાહે ભરૂચનો ઔદ્યોગિક વિકાસ હોય, દહેજનો ઔદ્યોગિક વિકાસ હોય, વાગરાનો ઔદ્યોગિક વિકાસ હોય, અંકલેશ્વરનો ઔદ્યોગિક વિકાસ હોય કે પછી આ નેશનલ હાઈવે હોય, બ્રિજ હોય, નર્મદા યોજના હોય કે ભરૂચને મળેલી વિવિધ ટ્રેનની સેવાઓ હોય, આ તમામની અંદર અહેમદભાઈ એક ચાલક બળ હતા. એમના જવાથી ભરૂચ જિલ્લાએ એક પોતાનો આત્મીયજન જે હંમેશા દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા ચિંતા કરતા હતા, ગુમાવ્યા છે. એમનું દુઃખ સૌને છે અને એનો ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે આજે અહેમદભાઈના પરિવારજનો સાથે અને મળવા માટે ભરૂચના નગરજનો આવ્યા હતા, એમનો સૌનો આભાર છે.